आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार आ सकती है? अभी तो माहौल देख के सर कैसा पूरा मिक्स माहौल है अभी, मतलब कोई किसी की कोई एक सरकार आएंगी ये नहीं बोल सकते। और बहुत जगह पे अभी देख रहे हैं हम, अभी जैसे कि इंडिया गठबंधन वाले जो है वो अपना दावा कर रहे हैं, एनडीए सरकार वाले जो है वो अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की सोच देखे तो मुझे नहीं लगता कि अभी एनडीए की सरकार वगैरह बन सकती या बहुमत में आ सकती। कोई भी सरकार बहुमत में नहीं आएगी, तो हो सकता है एनडीए को करीब 200 सीट तक तो हो सकती है, इंडिया 200 के ऊपर नहीं जाएगी। और इंडिया गठबंधन है हो सकता है 300 तक, पूरा मिला के 300 तक जाएंगी या 323-25 बन सकती है। और जो बाकी बचते हैं वो निर्दलीय वो सीटें उनको मिल सकती है, क्योंकि अभी लोगों को 2014 से मालूम हुआ कि कोई भी एक पार्टी को सत्ता देना नहीं चाहते, लोग चेंजेस चाह रहे, बदलाव चाह रहे। तो इस वक्त लोग बदलाव देखेंगे, हर जगह देख रहे हम, बहुत जगह पे तो 50% से कमी वोटिंग हुआ है, लोग वोटिंग डालने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है, इतना वो कर रहे, लोगों को कन्विंस कर रहे, फिर भी लोग हाँ बोलते हैं। लेकिन बहुत जगह पर देखे हमने, हम भी सर्वे कर रहे हैं, तो लोग वोट डालने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार आओ, इंडिया आए या एनडीए की है, कोई भी है, ना तो कोई हमको 5 रुपये देने वाला है ना 5 पैसे हमसे लेने वाला है। और जो भी हमको करना है टैक्स बढ़ाएंगे, देना चाहिए हमको, हम कितनी भी आवाज़ उठाएंगे, कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट आएंगी सिर्फ लालच देती है हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और जब सरकार बैठती है उनकी तो उसके बाद में वो वादे भूल जाते हैं कोई भी। अभी नरेंद्र साहब मोदी ने बोला था 15 लाख दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सिर्फ वैसा करूंगा तो बोल रहे क्या कुछ नहीं। जब उनको बोलने जाते हैं तो उनके खुद आदमी उनके लोग बोलते हैं वो तो जुमला था बोले खुद होकर वो बोलते, तो अभी ये जुमलेबाजी चल रही सब तरफ, इसलिए इनके ऊपर या किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और आजकल तो लोग नहीं चाहते कोई भी आए, कोई किसी से लेना देना नहीं, अपनी रोजी रोटी कैसे मिलेंगी कहाँ से मिलेंगी, कोई गवर्नमेंट किसी को जॉब नहीं देने वाला है ना कोई महंगाई कम करने वाला है, सब बोलने के लिए है। अभी नरेंद्र मोदी वगैरह बोल रहे या बीजेपी वाले बोल रहे हमने सिलेंडर के रेट कम करे, सब बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, कम करना इनको समझता नहीं, इनको मालूम नहीं कम करना। और इनके जो अंधभक्त है वो बोलते हैं 200 रुपये कम हो गया, कम इसको बोलेंगे हम कि जब इनके पहले की गवर्नमेंट जो थी उनके वक्त जो सिलेंडर के भाव थे उससे अगर कम होता है तो इसको बोलेंगे कि इन्होंने कम किए, ये पहले बड़ा देते उसमें से पहले आवड़ा देते और बाद में फोपड़ा लेते तुम्हारे से, ऐसी बात हो रही है। और लोग बोल रहे कि 200 रुपये कम किए, क्यों कम किए, कहाँ कम किए, पेट्रोल के भाव ये सभी भाव। अभी कल मैं मार्केट में गया था लहसुन के भाव पर दाल, अभी नरेंद्र साहब मोदी बहुत सही बोलते हैं, लोग उनकी बात को समझते नहीं, वो सच बोलते लेकिन उनकी आधी बात समझते। वो बोल रहे 400 पार बोल रहे, लेकिन 400 पार क्या ये बोली नहीं रहे, वो लोग उनको बोलने भी नहीं दे रहे, लोग समझ रहे 400 बार उनकी सीट आएंगी, 400 सीट नहीं बोल रहे वो, 400 बार हर चीज़ के भाव वो 400 के ऊपर बढ़ाने वाले हैं, वो बुरी बात बोली नहीं, लोग सुनते भी नहीं। 400 बार बोले तो पेट्रोल 400 पार होने वाला है, दाल 400 पार जाने वाली है, हर चीज़ 400 के ऊपर ही जाने वाला है, ये उनका कहना है। उसके बाद में मोदी जी बोलते हैं या बीजेपी वाले या इंडिया वाले बोलते हैं हिंदू खतरे में है, वो सही बोल रहे हिंदू खतरे में है, लेकिन हम लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू किससे खतरे में है ये भी नहीं जानते, वो बोलते नहीं, उनको मालूम हिंदू हिंदू से खतरे में है। आज तक अभी जैसे कि हमारे महाराष्ट्र की बात लो, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, तो शिवसेना वो हिंदुत्ववादी शिवसेना थी पहले जब थी, बाळासाहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी, उद्धव साहब ठाकरे की शिवसेना हिंदुत्ववादी थी, हिंदुत्ववादी के लिए अभी तक जो भी उन्होंने हिंदुत्ववादी के लिए काम किए है, उसके बाद में 2 टुकड़े हो गए उनके लिए, तो 2 टुकड़े किए इसने किए, कौन से एक आदि मुसलमान ने उसको तोड़ा है क्या? हिंदू को खतरा है तो क्या मुसलमान से खतरा है, बौद्ध से खतरा है, जैन ईसाई से खतरा है, सिखों से खतरा है, हिंदू को खतरा किससे, हिंदू से खतरा है। जब शरद पवार की राष्ट्रवादी पार्टी उसके 2 टुकड़े हो गए, किसने किया, कोई मुसलमान ने किया क्या 2 टुकड़े, हिंदू को खतरा किससे है। अभी राम मंदिर की बात है, राम मंदिर जो होगा, राम मंदिर बन गया और राम मंदिर ने उनके ओर से रिजल्ट दे दिया, लेकिन
कोई भी मुसलमान लोगों ने कभी उसका विरोध ना किया, ना रोड पे है, ना कुछ ना कुछ। उन्होंने जो न्यायालय ने जो जजमेंट दिया वो उन्होंने मानने के। लेकिन ये बात अगर अपोज में हो जाती थी, अगर ये निकाल बाबरी मस्जिद की तरफ से लगता था, तो पूरे जो हिंदुत्ववादी जो खुद को बोलते हैं हिंदुत्ववादी नहीं, वो ढोंगी है, तो सभी के सभी रास्ते पे उतर जाते थे। और तो खतरा हमको हिंदू से नहीं, ना मुसलमान से खतरा है। खतरा है हमको सिर्फ पॉलिटिकल, जो भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, बीजेपी रहो, कांग्रेस रहो, राष्ट्रवादी रहो, सेना जो अभी जो इसकी एकनाथ शिंदे की है, या और किसी की भी, अजित पवार की जो राष्ट्रवादी है, या RPI होगी कवाड़ी की है, या तुम्हारा रामदास आठवले है, या और कोई भी जो भी BSP जितने भी क्या बोलेंगे पॉलिटिकल लोग है, खतरा हमको इनसे है और हिंदुस्तान के लोगों को है खतरा है। बाकी दूसरे समाज से, कोई समाज को नहीं। अभी तक मुझे नहीं लगता कोई मुसलमान मुझे आए कि मेरे कॉलर पकड़ा, चल बन भाई तू हिंदू बन। और इस तरफ से अभी तक तो कोई धोखा नहीं हुआ। तो लोगों को हिंदू मुसलमान बौद्ध क्रिश्चन ईसाई सिख वगैरह नहीं चलता इनको। आजकल सिर्फ इतना चलता कि हमको रोजी रोटी कैसे मिलेंगी, रोजी रोटी का सवाल है। और मेरे बच्चे कैसे, उनको एजुकेशन कैसा मिलेगा, कहाँ एजुकेशन मिलता। BJP वाले बोलते हैं, नरेंद्र मोदी बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। ये वन नेशन वन इलेक्शन चूतिया बनाने की बात है, बेवकूफ़ बनाने की बात है। वन नेशन वन एजुकेशन देखो बोलना, अभी तक एक आधा मायका बोल सकता कि इसके ऊपर नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, ना कांग्रेस वाला बोलता। सब लड़के, हर लड़का पढ़ना चाहिए, सभी लड़कों को शिक्षा मिलना चाहिए, मुफ्त में शिक्षा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सब बाजार भरा है इन्होंने, बाजारीकरण किया, शिक्षा का बाजारीकरण पूरा खाजगीकरण हो गया। गवर्नमेंट के कोई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, टैक्स लेते, टैक्स भरपूर ले रहे GST के नाम से। लेकिन टैक्स क्यों लेते थे अभी तक किसी को मालूम नहीं, ना लोगों को मालूम, ना ये लोक प्रतिनिधि इनको मालूम टैक्स क्यों लेते थे हमारे से, कि ये हमको सुविधा देते थे। तो सुविधा कौन सी दे रही, जब यहाँ पे मनपा के स्कूल चलते थे, महानगर पालिका, जिला परिषद, महानगर पालिका स्कूल बंद कर दे, महानगर पालिका के हर जगह पे चौराहे पे पानी पीने के लिए नल रहते थे, सार्वजनिक नल रहते, नल बंद किए, फिर टैक्स किस बात का ले रहे तुम लोग, टैक्स लेते, रास्ते बना रहे, टोल टैक्स ले रहे उधर से, प्राइवेट लोगों को बांधने को दे, फिर वहाँ का टैक्स क्यों ले रहे तुम लोग। कोई बोलने को जाओ तो ये देशद्रोही बोलते, इनको देशद्रोही क्या है, देशभक्त क्या है, ये भी मालूम नहीं किसी को देशभक्त करना। इतना बड़ा संविधान है, संविधान के अपोज में बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसको रिहा कर दिया जाता है और सत्कार करती उनका। तो ये जो भी चल रहा है लोगों को समझ गया है, जुमलेबाजी है अभी, तो अभी किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली।